हेलो माय डियर स्टूडेंट, अब हम देखने वाले हैं थर्ड टाइप ऑफ मैकेनिज्म बाय विच किडनी परफॉर्म इट्स ऑस्मोरेगुलेटरी फंक्शन। तो जैसे कि हमने प्रीवियस दो वीडियो क्लासेस में देखा था कि वन मैकेनिज्म इज बाय जक्स्टाग्लोमेरुलस एपरेटस, सेकंड वन इज बाय ADH। तो ये दोनों मैकेनिज्म क्या कर रहे हैं, बॉडी के अंदर का जो ब्लड वॉल्यूम लेवल है उसको इंक्रीज कर रहे हैं। लेकिन दिस थर्ड टाइप ऑफ मैकेनिज्म क्या करेगा, बॉडी के अंदर जो वॉल्यूम है, ब्लड वॉल्यूम लेवल जो इंक्रीज हुआ है उसको वह काम कराएगा। ठीक, तो अभी देखो वो किस तरीके से काम करता है। तो यहाँ पे ANF इज अ चेक ऑन रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म, क्योंकि आप जक्स्टाग्लोमेरुलस एपरेटस के अंदर हम लोगों ने देखा था जक्स्टाग्लोमेरुलस सेल गेट एक्टिवेट टू रिलीज द रेनिन। वो क्या सिक्रेट करता है, रेनिन को सिक्रेट करता है। ठीक है, ये यदि आपका रेनिन सिक्रेट हुआ है, सपोज दिस रेनिन कब सिक्रेट होगा, जब सेल्स एक्टिवेट होंगे। कब एक्टिवेट होंगे ये सेल्स, जब जो ब्लड प्रेशर है वो क्या होता है, कम होता है, तब ये एक्टिवेट होंगे, रेनिन को सिक्रेट करेंगे। रेनिन इसको सिक्रेट करेगा, एंजियोटेंसिनोजिन सेकंड बनाएगा, वो अल्डोस्टिरॉन को बनाएगा। अल्डोस्टिरॉन क्या करेगा, एक्ट ऑन DCT, सोडियम का रीअब्सॉर्प्शन कराएगा, वाटर का रीअब्सॉर्प्शन होगा और ब्लड वॉल्यूम लेवल इंक्रीज होगा। ये जो ब्लड प्रेशर है, मतलब हाई प्रेशर का जो ब्लड है, जब ये हाई प्रेशर का ब्लड हार्ट के पास आता है, देखो हार्ट के पास क्या क्या, हार्ट ने रिसीव किया, कौन सा पार्ट हार्ट का रिसीव करता है, राइट एट्रिया रिसीव द ब्लड फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। तो राइट एट्रिया ने क्या किया, रिसीव किया हाई प्रेशर वाला ब्लड। ठीक है, हाई प्रेशर ब्लड ये रिसीव करता है, तब एट्रिया एक फैक्टर रिलीज करता है और वो फैक्टर को बोलते हैं ANF फैक्टर। ठीक है, ए मीन्स एट्रियल नाइट्रियूरेटिक फैक्टर। एट्रिया सीक्रेट कर रहा है, किसके अगेंस्ट सीक्रेट हो रहा है, जो सोडियम का रीअब्सॉर्प्शन हो रहा है। नाइट्रियूरेटिक क्यों बोलते हैं, क्योंकि जो सोडियम का रीअब्सॉर्प्शन ऑल्डोस्टिरॉन कर रहा था, इसके अगेंस्ट ये फैक्टर सीक्रेट हो रहा है। अभी ये जो फैक्टर है ये क्या करेगा, इसके भी अलग अलग, हम बोल सकते हैं अलग अलग वे से, अलग अलग मोड ऑफ एक्शंस है। तो फर्स्ट जैसे ही ANF फैक्टर रिलीज होता है, तो ANF फैक्टर क्या करेगा कि देखो ANF फैक्टर रिलीज हो गया बाय द राइट एट्रिया, तो ये रेनिन का सिक्रीशन क्या करेगा, डिक्रीज। यदि रेनिन का सिक्रीशन कम हो गया बाय जक्स्टाग्लोमेरुलस सेल्स, तो अल्टीमेटली एंजिनोटेंसिन सेकंड का कॉन्सेंट्रेशन भी क्या हो जाएगा, कम। एंजिनोटेंसिन सेकंड यदि सिक्रीशन इसका इनिबिट हुआ, तो अल्डोस्टिरॉन का सिक्रीशन भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज। और अल्डोस्टिरॉन का सिक्रीशन डिक्रीज हुआ तो वो क्या कर रहा था, नाइट्रियूरेसिस, मतलब अल्डोस्टिरॉन का रीअब्सॉर्प्शन कर रहा था ना, वो डाईयूरेसिस को क्या कर रहा था, प्रिवेंट द लॉस ऑफ वाटर इन यूरिन, तो उसको हम बोलते हैं डाईयूरेसिस। तो वो नाइट्रियूरेसिस या प्रिवेंट द डाईयूरेसिस कर रहा था, लेकिन अभी इसका कॉन्सेंट्रेशन ही कम है तो डाईयूरेसिस तो प्रिवेंट नहीं कर पाएगा, मतलब वो यूरिन के अंदर वाटर को जाने देगा। ठीक है, तो इन दिस वे भी ANF काम करता है। सेकेंड वे ऑफ एक्शन, दिस ANF एक्ट एज अ वैसोडायलेटर। ठीक है, तो वैसोडायलेटर मींस वो एक्ट होगा ऑन द ब्लड वेसल, किसके ऊपर एक्ट हो रहा है, ब्लड वेसल्स के ऊपर एक्ट होके वो वैसोडायलेशन कराएगा। देखो अल्डोस्टिरॉन ने क्या किया था, ये हमारी ब्लड वेसल्स थी, ठीक है, हम कंसिडर कर रहे हैं ये एफरेंट आर्टेरियोल है, एफरेंट आर्टेरियोल ब्लड को लेके आ रही है ग्लोमेरुलस के अंदर। अल्डोस्टिरॉन इसके ऊपर एक्ट हो रहा था, उसने उसका कॉन्स्ट्रिक्शन कराया था, ठीक है, इसके वजह से ब्लड का प्रेशर इंक्रीज हुआ था। अभी वो जो हाई प्रेशर का ब्लड जब राइट एट्रिया ने सेंस किया, तो उसने ANF फैक्टर को रिलीज़ किया। ANF फैक्टर रेनिन को, और वो सारा जो मैकेनिज्म है, जिस मैकेनिज्म को हम कौन सा मैकेनिज्म बोलते हैं,
रास मैकेनिज्म, रास मतलब रेनिन, एंजिनोटेंसिन एंड अल्डोस्टिरोन, ठीक है, ये मैकेनिज्म को उसने स्टॉप कर दिया या हम बोल सकते हैं कंट्रोल किया, कंट्रोल किया बाय दिस वे, ठीक है, उसका सिक्रीशन कम कराएगा। सेकंड वे, सेकंड जो मोड ऑफ एक्शन है, दिस जो वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन हुआ है ये इसके ऊपर एक्ट होगा और इसका डायलेशन कराएगा। तो इसका डायलेशन जैसे ही हो गया तो ल्यूमेन बढ़ गई, ल्यूमेन बढ़ते ही उसके अंदर का जो भी ब्लड प्रेशर है वो डिक्रीज हो जाएगा। तो जो ब्लड प्रेशर या जो ब्लड वॉल्यूम लेवल हमारे बॉडी के अंदर इंक्रीज हुआ था बाय जक्स्टाग्लोमेरुलस एपरेटस एंड ADH, वो अभी किससे कम हो रहा है, वो कम हो रहा है ANF फैक्टर से। तो ANF फैक्टर इज अ चेक पॉइंट और कंट्रोलिंग सेंटर ओवर अ रास मैकेनिज्म। रास के ऊपर का वो कंट्रोल कमांडिंग हम बोल सकते हैं सेंटर है कि जो इसके थ्रू जो भी ब्लड प्रेशर इंक्रीज होगा वो ANF फैक्टर डिक्रीज करेगा और यहाँ पे ब्लड वॉल्यूम जो लेवल हो, ब्लड वॉल्यूम लेवल क्या हो जाएंगी, डिक्रीज। और कैसे, यहाँ पे जो यूरिन बनेंगी वो यूरिन कैसे रहेंगी आपकी, हाइपोटोनिक, मींस मोर वाटर इन यूरिन, यूरिन के अंदर ज़्यादा वाटर लॉस होगा तो वाटर यूरिन में चला जाएगा और अल्टीमेटली हमारे बॉडी के अंदर जो ब्लड वॉल्यूम है या बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम है वो अगेन रिस्टोर हो जाएगा। तो इन दिस वे देयर किडनी अपने ऑस्मोरेगुलेटरी फंक्शंस परफॉर्म करती है बाय 3 टाइप ऑफ मैकेनिज्म। थैंक यू।